हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का झटपट अचार। ये एकदम इंस्टेंट अचार है। घर के ही बेसिक सामान से, घर के ही मसालों से, आपको बाजार से या बाहर से कुछ भी नहीं लाने की ज़रूरत है। सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी अचार है। आप इसे खाने के साथ या लंच बॉक्स में, लंच के साथ आप इसे पैक करके ले जा सकते हैं। जब भी आपका मन करे आप इसे बनाकर महीने से 2 महीने स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो मैंने एक पैन रखा है गैस पर, इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है। वही चम्मच है जिससे हम घर पर नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चम्मच मेथी दाना। मसालों में जो भी आपको मसाले पसंद है वो मसाले आप ले सकते हैं। और यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच मैंने पीली वाली सरसों लिया है। आप इसकी जगह पर काली वाली सरसों भी ले सकते हैं या फिर आप राई भी ले सकते हैं। मार्केट में सरसों की दाल मिलती है या फिर आप वो दाल ले सकते हैं। तो इन मसालों को हम 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है, मसालों में सीलन आ गई है। तो इसे हमें थोड़े से, जिससे इसे इसके अंदर से सीलन निकल जाए। तो इसे अब इसमें चटचट की आवाज़ आने लगी है, ये इसकी सीलन निकल चुकी है। मैं इसको ठंडा करके बारीक सब पीस लूँगी। तो वापस से मैंने वही पैन रखा है, इसके अंदर हम 1/2 कप सरसों का तेल डाल दिए हैं। इसे हम अच्छी तरीके से बॉईल आने तक खौला लेंगे, इसमें 1 उबाल आ जाए। कोई भी अचार आप बनाइए तो अचार बनाने से पहले सरसों के तेल को खूब अच्छी तरीके से उबाल लीजिए, अच्छी तरीके से उसमें बॉईल आ जाए, तब अचार आपका कभी भी ख़राब नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, चाहे आप 1 महीने, 2 महीने या साल 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए तेल में उबाल आ गया है, तो इसे मैं यहीं पर छोड़ दूंगी, तब तक आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम हरी मिर्च ली हुई है। तो आप देख सकते हैं ये तीखी वाली मिर्च है। आप इसकी जगह मोटी, थोड़ी मोटी वाली जो मिर्च आती है हरी वाली, उसको भी ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मोटी वाली नहीं, थोड़ा इस वैरायटी में मोटी भी आती है। तो मुझे वो वाली मिर्च नहीं मिली, मैंने एकदम पतली वाली मिर्च ली है। तो मैंने इसके सारे डंठल निकाल कर रेडी कर दिए हैं। तो देखिए इसके डंठल मैंने अलग कर दिए हैं। इसे अच्छी तरीके से मैंने धोकर सुखा लिए थे, इसका पानी सूख चुका था। तो इसे मैं कैंची से काट लूँगी। आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, क्योंकि मिर्ची बहुत तीखी है, इसलिए मैंने कैंची का यूज किया है। तो इस तरीके से इसे काट लेना है। अचार बनाने से पहले अच्छी तरीके से इसको धोकर सुखाना है फ्रेंड्स। तो मैंने पहले से ही करके रखा था, तो मैंने मिर्ची को कट करके ले लिया है। देखिए एकदम मैंने 1 मिर्ची में 2 ही पीस करा है, आप चाहे तो 3 या 4 पीस कर सकते हैं, इससे थोड़ा छोटा भी काट सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर बाउल लिया है। बर्तन आप कोई भी लीजिए, जो भी लीजिए, सूखे बर्तन हो, कैंची या चाकू, जो प्लेट, बाउल, जो भी बर्तन यूज करिए, एकदम सूखा होना चाहिए, पानी नहीं लगा होना चाहिए, नहीं तो अचार जो है बहुत जल्दी ही खराब होने लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने सब मिर्ची को ट्रांसफर कर लिया है 1 बाउल के अंदर। तो इसके अंदर अब हम कुछ और मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। अब 1 चम्मच मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, ये तीखी नहीं है, बस कलर के लिए है। और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ पर हल्दी पाउडर मिला देते हैं,
जो मैंने मसालों को रोस्ट करके लिया था मैंने उसे मिक्सी में पीस लिया है, तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करा था, थोड़ा सा दरदरा मैंने पीस कर रखा है, इसे भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच विनेगर लिया है सफ़ेद सिरका, तो इसे भी डाल देती हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, इसकी जगह आप 2 नींबू का रस भी ले सकते हैं। बस इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसको डाला है। तो मैंने गरम जो करके तेल रखा था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बाकी तेल गुनगुना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो इस तेल को इसमें डालकर मिर्ची को मिक्स कर लेते हैं अचार को। एकदम गरम गरम तेल नहीं डालना है, तेल बॉईल करके छोड़ दीजिए 10-15 मिनट। जब थोड़े ठंडे हो जाए तेल तभी आप अचार में डालिएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसको अब ढक कर ऐसे ही छोड़ दूंगी 2 दिन के लिए, और 2 दिन के बाद मैं देखूंगी। तो देखिए अचार में तेल अच्छी तरीके से आ गया है और इसके कलर भी बढ़िया से आ गए हैं। अब मिर्ची का अचार हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपके घर पे धूप आती है तो इस अचार को आप 1 दिन पूरे दिन धूप में रख दीजिए, तो धूप से बहुत अच्छा अचार बन जाएगा। थोड़े इसमें तेल ऊपर आ जाते हैं और अचार का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो अचार हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप किचन में ही ढक कर छोड़ दीजिए 2 दिन तक। इसके बाद इसे आप खाने शुरू कीजिए। इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए, 1-2 महीने आप इंजॉय कीजिए। आप इसे खाते रह जाएंगे, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा फ्रेंड्स। तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ।